और अभी आपको बताएं कि तेहरान में जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी सदर, चीफ जस्टिस, आला फौजी हुकाम की शिरकत भी सामने आई। अमरीकी ड्रोन हमले में जान बहक होने वाले मकतूल जनरल कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा में ईरानी सदर हसन रूहानी, चीफ जस्टिस और आला फौजी, सियासी, समाजी और अस्करी शख्सियात शरीक हुई, जबकि फलस्तीन के साबिक वजीर आजम इस्माइल हानिया ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। लोग जारो कतार रो रहे थे, जबकि हसन रूहानी आयतुल्ला खामनाई की आंखों से आंसुओं की झड़ी रवा थी। तेहरान में जनरल कासिम सुलेमानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए लाखों लोग उमड़ आए। पूरे शहर में तिल धरने को जगह न रही और 12 किलोमीटर तक सिर्फ इंसानी सर दिखाई दे रहे थे। शुरका ने अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जनरल कासिम सुलेमानी को कल उनके आबाई इलाके किरमान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया जाएगा, जबकि मलेशिया के कमांडर मेहंदी अल मुहंदस की मैयत भी तेहरान पहुंचाई जा चुकी है।